हेलो माय ओल्ड एंड न्यू सब्सक्राइबर, आज सैटरडे 10 फरवरी 2018 और शाम के 6:25 हो रहे हैं और मैंने डिसाइड किया है आज मैं आर ए मिल कॉलोनी जा रहा हूँ जो कि अंधेरी ईस्ट को गोरेगांव ईस्ट से जोड़ता है। और मेरा शेरा भी बहुत तड़प रहा है बहुत दिनों से अंधेरे को चिरने के लिए, क्योंकि उसके पास अब फॉग लाइट्स भी है और हेडलाइट का भी बल्ब मैंने चेंज किया हो, तो वो भी हम चेक कर लेंगे कितनी ब्राइटनेस देता है ऑल एक्सट्रीम की फॉग लाइट्स। लाइट देख सकते हो कितनी पावरफुल है, हेडलाइट का सिर्फ बल्ब में जलाया हो। ये मेरा फ्रेंड है रोहित, ये भी आ रहा है आरे तक। हाँ यस, आरे मिल कॉलोनी भूत पकड़ने भूत। यहाँ से आर ए मिल कॉलोनी स्टार्ट हो जाती है, ये लेफ्ट में आप जो देख रहे हो वॉचमैन का बूथ सिक्योरिटी केबिन, ये बाउंड्री है आर ए मिल कॉलोनी की। अब इसके आगे हमें लाइट नहीं मिलने वाली है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है आर ए मिल कॉलोनी में। तो चलिए मेरा हेडलाइट का बल्ब आपको दिखा देता हूँ कितनी ब्राइटनेस है। ये मेरे 30 वॉट का हेडलाइट बल्ब जो मैंने ऑन कर लिया हो, और आगे जाते ही हम फॉग लाइट्स भी ऑन कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना घना जंगल है, अब स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है। आज मैं स्वेटर लाना भूल गया हूँ, बहुत ठंड है क्योंकि आजू बाजू में घना जंगल है। अब हमारे फॉग लाइट्स ऑन करने का वक्त आ गया है, और ये मैंने फॉग लाइट्स भी ऑन कर लिया हो ऑक्सिलरी। आप देख सकते हो कितनी ब्राइटनेस है, आजू बाजू का एरिया भी पूरा कवर कर रही है ये फॉग लाइट्स। अभी टाइम हो रहा है 7:10 हो रहे हैं, ज़्यादा भी लेट नहीं आया मैं क्योंकि मुझे खुद को डर लगता है। यहाँ पर अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो हॉन्टेड प्लेसेस में आर ए मिल कॉलोनी का भी नाम आता है, और एक दो जन ने तो सालों ने फुटेजेस भी रियल भूत के डाल के रखे हैं। तो कल मैं वही चेक करा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आज मैं निकला कि अपनी ये फॉग लाइट भी टेस्ट हो जाए कितनी ब्राइटनेस है। इसके लिए 7 बजे निकला मैं। ये रास्ता सीधा गोरेगांव ईस्ट तक जाता है, आप लेफ्ट में देख रहे हो पूरा मेट्रो का काम कर रहे हैं लोग चालू। अभी तो बहुत वक्त लगेगा, बाप रे बहुत ठंड है। गलती कर दी मैंने, स्वेटर नहीं रख के बैग में, बस फेस मास्क पहना हूँ। थोड़ा आगे जाके कहीं घना अंधेरा मिलेगा तो वहाँ पे रुका के आपको ये लाइट्स भी बता देता हूँ। अभी क्या है, पीछे से कार्स आ रही है तो उसके लाइट में आपको पता नहीं चल रहा होगा। ये अच्छी सी जगह देख के रुका लूँगा, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों बाद मेरा शेरा निकला है राइड पर, और शेरा भी बहुत खुश है। और इस सैटरडे को मैं शिरडी राइड जाने वाला हूँ। थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, गाड़ियों को जाने देता हूँ सब। बहुत ही मजा आ रहा है। ये क्या बेच रहा है राइट में, यहाँ पे वड़ा पाव, गरम गरम वड़ा पाव मिल रहा है, आते वक्त मिला तो जरूर खाऊंगा।
पता है आप लोग मेरे वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, इसलिए आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक सोचा अकेला ही निकल जाता हूँ आरे मिल कॉलोनी के लिए। अब देख सकते हो लेफ्ट साइड का एरिया पूरा कवर कर रही है ये फॉग लाइट, बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे लेफ्ट ले लेता हूँ, अंधेरा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे सही जगह है चेक करने के लिए लाइट। ये कहाँ जाता है रोड, क्या लिखा है? फिर हाँ हाँ पता है, कहीं रॉन्ग टर्न ना हो जाए। रॉन्ग टर्न मूवी आपने देखी होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूजीलैंड हॉस्टल यूनिट नंबर 15 कोकन विकास बुल सेंटर कुकुट पालन मॉडर्न बेकरी। ओके, तो थोड़ा तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मैं मेरे हेडलाइट और फॉग लाइट का आपको ब्राइटनेस दिखाना चाहता हूँ। ये रोड सबसे बेस्ट है आपको दिखाने के लिए कि कितनी पावरफुल हेडलाइट और फॉग लाइट है। ये मेरी हेडलाइट है, ऑन कर दिया हूँ, और अब मैं आपको फॉग लाइट भी ऑन करके बताता हूँ। आप देख सकते हो कितनी ब्राइटनेस है। और अब मेरी फॉग लाइट ऑन करता हूँ मैं। और ये फॉग लाइट भी मैंने ऑन कर लिया है, बहुत ही पावरफुल लाइट्स है। ये हेडलाइट, रुको ये गाड़ियों को जाने दो। और ये फॉग लाइट्स, तो चलिए अंदर तक थोड़ा सफ़र करके आते हैं। ये सिर्फ मेरी हेडलाइट है। और अब मेरी फॉग लाइट्स ऑन करता हूँ। ये मेरी फॉग लाइट ऑन कर दी, अब देख सकते हो कितनी ब्राइटनेस है। और अब बाहर निकलते हम क्योंकि मुझे खुद को भी डर लग रहा है। भाग शेरो, बाप रे कितना अंधेरा था, मैं अकेला हूँ इसके लिए डर लग रहा है। मैं नहीं जाने वाला बाबा अंदर। मेन रोड पे निकलते अभी अपन। यहाँ आ गया मेन रोड, बहुत डेंजर जगह थी यार। एकदम सन्नाटा था वहां पर। कहते हैं कि यहाँ पे रात में आवाज़ें आती है, कोई औरत रोती है, कोई बस स्टॉप पर बैठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए मैं ज़्यादा वो अंधेरे में नहीं गया क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। अकेले रहो तो यार किसी की भी हिम्मत नहीं होगी इतने घने अंधेरे को चीरने की। और इतनी अच्छी रोड है ये, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर बाइक चलाने के लिए।
अब आगे मुझे ट्रैफिक दिख रहा है, मैं यहाँ से ही यू टर्न ले लेता हूँ क्योंकि अभी हाईवे आ जाएगा थोड़े डिस्टेंस पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि आपको मेरी हेडलाइट दिखा पाऊँ, एक जगह पर रुका हूँ आ रहे मैं। ये मेरी हेडलाइट है और ये फॉग लाइट्स आप देख सकते हो कितना एरिया कवर करती है। ये लाइट बहुत ही पावरफुल है। ऊपर झाड़ झाड़ पर भी आप देख सकते हो कितनी लाइट है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ फॉग लाइट को, ये देखो सिर्फ सामने का रास्ता दिख रहा है, और जब ये ऑन करता हूँ तो पूरा जंगल और पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है। मुझे तो डर लग रहा है अंदर जाने के लिए क्योंकि कोई आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो ये आर ए रोड है, यहाँ पर तो गाड़ियाँ चल रही है लेकिन बीच बीच में ऐसे लेफ्ट टर्न आते हैं, कोई राइट टर्न आते हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है और देख के एकदम कपकपी छूटती है आँग में। यहाँ से मैं टर्न ले लेता हूँ, अपनी भलाई इसी में है। यार ये रॉन्ग टर्न जैसी जगहें दिखती है सब अंदर अंदर, जैसे रॉन्ग टर्न मूवी में नहीं, तो एक गलत टर्न। अब ये वो वाला राइड वापस आ चुका है जहां पर मैं अंदर गया था, एक बार फिर से जाके देखते हैं। थोड़ा डर गया था मैं लेकिन इस बार थोड़ी हिम्मत करके अंदर तक जाके देखते हैं अपन। ये मेरी हेडलाइट अब लोअर, ये मेरी हेडलाइट लोअर बीम। ये मेरी हेडलाइट लोअर बीम और ये है अपर बीम। और अब मैं फॉग लाइट्स भी ऑन कर देता हूँ। ये मेरी फॉग लाइट्स ऑन और आप देख सकते हो कितनी ब्राइटनेस है। तो चलिए थोड़ा आगे जाके यू टर्न लेके आ जाते हैं। नहीं यार मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, यहीं से यू टर्न ले लेता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। आप देख सकते हो अंधेरा कितना घना है यहाँ पर, पता चला कोई भूत भीत मिल गया तो हो गया मेरा। यहाँ से ही निकल लेते हैं, फिर कभी फ्रेंड के साथ आऊँगा रात में, अकेले रहते तो बहुत डर लगता है यार। मेरे साथ कोई फ्रेंड रहता है तो मैं अंदर चले जाता हूँ उस अंधेरे में, लेकिन अकेले जाना रिस्की हो सकता है। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है, लेकिन जब दिखता है ना तब पता चलता है। अरे यहाँ पर वड़ा पाव मिल रहा है, खाऊँ कि नहीं खाऊँ, खाऊँ कि नहीं खाऊँ, नहीं खाता हूँ क्योंकि अभी घर पे जाके खाना खाना है। चेहरा बहुत ही खुश लग रहा है, एकदम मजे से भाग रहा है। ये राइट का रोड मरोल के लिए जाता है, पूछू कि सीधा जाओ, पूछू नहीं, चलो आज राइट मार के देखता हूँ।
मोरल फायर ब्रिगेड के लिए जाता है, मोरल फायर ब्रिगेड के लिए जाता है सीधा, इधर भी राइट लेफ्ट मत देना एंड तक। ओके थैंक यू। ओके मैं जेबी नगर रहता हूँ तो मुझे सीधा जाने का कुछ मतलब नहीं था आर एस एलएनटी के इधर पवे की तरफ, तो अब ये सीधा रास्ता था जो बीच में से एक राइट है, कहीं पे भी मुझे मुड़ना नहीं है, सीधा फायर ब्रिगेड पर निकलेगा, राइट साइड में फायर ब्रिगेड दिखाई देगा बोला है वो। चलिए देखते हैं, ये तो अच्छा फॉग लाइट है तो फट से दिख जाता है स्पीड ब्रेकर भी, नहीं तो पहले तो कुछ भी नहीं दिखता था स्टॉक हेडलाइट में। ओम नमः शिवाय। मंदिर था लेफ्ट में, अभी घर जाके मस्त चाय पीऊंगा गरम गरम। अरे समझ गया, यहाँ पर निकले। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अभी दी एंड करने का वक्त आ गया है वीडियो का। बहुत मज़ा आया आज आर ए मिल कॉलोनी में, आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर नहीं पसंद आया तो टेस्ट चेंज कर देना।